गुड मॉर्निंग सभी को, कैसे हैं आप लोग? चलिए ठीक है, आइए हम लोग जो है डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे? रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ रहे थे, और हम लोगों ने देखा था कि आर बराबर रो एल बाय ए होता है। क्या होता है? आर बराबर रो एल बाय ए होता है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्बन रेजिस्टेंस और वायर बाउंड रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कार्बन रेजिस्टेंस और वायर बाउंड रेजिस्टेंस। कार्बन रेजिस्टेंस आप रेडियो, टीवी या अन्य चीजों में चार्जर में लगे हुए देखे होंगे, इस तरीके से होता होगा। ठीक है, और वायर बाउंड रेजिस्टेंस कैसा होता है? एक नली नुमा इस प्रकार से रहता है, वायर लपेटा हुआ रहता है। ठीक है, वायर लपेटा हुआ रहेगा वो क्या कहलाएगा? ये वायर बाउंड रेजिस्टेंस कहलाएगा। और इस प्रकार से आप देखे होंगे, इस प्रकार से यहाँ कलर कोडिंग किया हुआ रहता है। ठीक है, ये कलर कोडिंग किया हुआ रहता है, कलर रहता है, अलग अलग कलर आपको दिखेगा, तो वही क्या है? वही रेजिस्टेंस है। और उसी कलर के द्वारा, उसी कलर से हम लोग जांच करते हैं कि वो कितने ओम का रेजिस्टेंस है ना, उसी कलर कोड से। तो आज हम लोग रेजिस्टेंस के कलर कोड के बारे में जानेंगे, है ना। क्या जानेंगे? रेजिस्टेंस का कलर कोड के बारे में जानेंगे। ठीक है, कलर कोड क्या? जैसे मान लीजिए यहाँ कोई भी रंग, ठीक है, ये रेड है, ये ग्रीन है, ये वाइट है ना, ये गोल्ड है, तो सब कलर का एक कोड होता है। ठीक है, उसी कलर कोड को हमको सीखना है कि किस प्रकार से कोड का मान जो है करके जो है हम लोग निकालते हैं। चलिए इस कलर कोड को देखते हैं। चलिए देखिए, ये है कलर, कलर कोड कहने का मतलब है कि इस तरीके से आपका जो है चार कलर है। अभी हम लोग चार कलर का सीखेंगे, पांच कलर ये रहता है। इस प्रकार से जो है डबल के आकार का रहेगा, और फर्स्ट में तीन कलर है, एक कलर, दो कलर, तीन कलर, और चौथा जो रहेगा वो टॉलरेंस का रहेगा। चौथा जो रहेगा वो टॉलरेंस का रहेगा, वो साइड में रहेगा। तीन कलर एक साइड रहेगा, और एक कलर जो रहेगा टॉलरेंस का वो दूसरी साइड रहेगा, बीच में थोड़ा पतला रहेगा। ठीक है, तो इसको जो है ये क्या है? ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, वायलेट है, ग्रे है, व्हाइट, गोल्ड, सिल्वर, ब्लू कलर, किसी में नो कलर, कलर ही नहीं रहे। तो इसको याद रखने के लिए आप अपने तरीके से अलग अलग ट्रिक बना सकते हैं। जैसे मेरे द्वारा या किसी और टीचर के द्वारा बनाया होगा, तो हमने एक जगह देखा था, क्या है? बीबी रॉय ग्रे ब्रिटेन बैरी गुड वाइट, क्या? बी बी रॉय आर ओ वाई, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, है ना, क्या? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। आप चाहें तो अलग से लिख सकते हैं, यहां से देखिए, बीबी रॉय वेरी गुड, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी
क्या यूज कर सकते हैं? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे व्हाइट गोल्ड गोल्ड और सिल्वर और लोकल सोना चांदी लोकल। तो आप यहां से शुरू करेंगे जीरो से, जीरो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, ठीक है, नौ तक ही हो, ठीक है, दस में फिर जीरो हो जाएगा इसलिए नौ होता है। जीरो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। सेकंड कलर का भी यही होगा, जीरो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, ठीक है। थर्ड कलर जो होगा मल्टीपल में होगा, थर्ड कलर मल्टीपल में होगा और टेन टू दी पावर पावर होगा, टेन टू दी पावर पावर जीरो यानी कि वन, टेन टेन टू दी पावर वन, टेन टू दी पावर टू, टेन टू दी पावर थ्री, टेन टू दी पावर फोर, टेन टू दी पावर फाइव, ठीक है, फाइव टेन टू दी पावर सिक्स, टेन टू दी पावर सिक्स डॉट डॉट ऐसे रहता है, ठीक है। उसके बाद टॉलरेंस, टॉलरेंस में जो है, अब टॉलरेंस में अगर लास्ट में ब्लैक रहे तो प्लस माइनस कितना होगा, प्लस माइनस जो है 1%, प्लस माइनस 1%, प्लस माइनस 2%, प्लस माइनस 3%, प्लस माइनस 4%। यहाँ पर 4% हो गया, उसमें खाली 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 जाएंगे। गोल्ड में जो है होगा 5%, प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 5%। सिल्वर में होगा प्लस माइनस 10% और नो कलर में होगा प्लस माइनस 20%। ये है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब उतना कम बेसी हो सकता है, टॉलरेंस मतलब क्या, उतना कम बेसी हो सकता है, ठीक है। आप देखिए अभी आपको थोड़ा सा लगेगा कि क्या चीज है, लेकिन जब सवाल आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। अभी हम सवाल बनवाएंगे, चिंता मत कीजिए। क्या कलर आना है? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, जीरो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, फिर दूसरा में जीरो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, फिर तीसरा में पावर एक, दस में पावर जीरो, एक किसी पर जीरो, फिर दस पावर एक, दस दस पावर दो, दस पावर तीन, दस चार पाँच छ डॉट डॉट, इस प्रकार से चले, ठीक ना। अब देखिए आप जो है कोई भी हम लोग लेते हैं, कोई भी लेते हैं, इस प्रकार से निकालना है। जैसे कोई भी रेजिस्टेंस लिए हम लोग, कोई भी रेजिस्टेंस लिए, तो यहां जो है अपने से कोई कलर नहीं, मान लेते हैं कि यहां रेड था, क्या था, रेड कलर था। दूसरा कलर में क्या है, दूसरा कलर में जो है ग्रीन रेड, ग्रीन रेड। तीसरा में, तीसरा में अगर ब्राउन रेड, ब्राउन में तो मान लीजिए ब्लू रेड, ब्लू। ब्लू रहे और ये क्या था, ग्रीन, ये था रेड। और लास्ट में ये तीन एक चार कलर हो सकता है, पांच कलर, ये ब्लैक रह सकता है, ब्राउन रह सकता है, रेड रह सकता है, ठीक है, ऑरेंज रह सकता है, लेकिन अधिकतर रेजिस्टेंस में या तो गोल्ड कलर का रहेगा और नहीं तो सिल्वर कलर का रहेगा। अधिकतर रेजिस्टेंस में या तो गोल्ड रहेगा और नहीं तो सिल्वर रहेगा, आप अधिकतर देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि गोल्ड है, सोने का कलर का है, ठीक है, सुनहरा कलर का है। तो इसका मान क्या होगा, इस रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, लिखा जाता है फर्स्ट फिर सेकेंड गुने थर्ड प्लस माइनस फोर्थ, ये फॉर्मूला होता है इसका।
उसका टॉलरेंस को बताएगा। समझ में आया कि नहीं? फर्स्ट सेकंड एक साथ, थर्ड उसका गुणनफल, और फोर्थ जो होगा उसका टॉलरेंस को बताएगा। जैसे इसका फर्स्ट सेकंड क्या लिखेंगे, रेड है, रेड का पक्ष क्या है इसमें, रेड का दो है तो लिखेंगे दो। सेकंड कलर कौन है, ग्रीन, ग्रीन का सेकंड में लिखेंगे क्या मान है, पांच मान है, तो दोनों एक साथ। उसके बाद गुना, थर्ड में गुने होगा, थर्ड, थर्ड क्या है, ब्लू, ब्लू, ब्लू का है, यहाँ है ब्लू, ब्लू, ब्लू में देखिए क्या है, पावर क्या है, पावर 10 to the power 6 है, क्या है, पावर 10 to the power 6 है, तो गुने 10 to the power 6, गुने 10 to the power 6, लाइट चला के थोड़ा सा गेट खोल लेते हैं ताकि लाइट आ जाए। चलिए अब जो है 10 to the power 6 और प्लस माइनस 4, 4 में क्या है, वोल्ट है, तो वोल्ट का टॉलरेंस कितना आता है, वोल्ट का टॉलरेंस प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 5% ओ, यही आपका आंसर हो गया 25 × 10 to the power 6 प्लस माइनस 5% ओ आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको कोई भी सवाल अगर देगा तो आप बना सकते हैं। किसी का मान अगर दे दे फिर भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, दे दे आपको दे दे 33 × 10 to the power 3 प्लस माइनस 20 प्लस माइनस 10%। इसका बेस कलर कोड क्या होता है, 35 × 10 to the power 3 प्लस माइनस 10% बोलेगा इसका कलर कोडिंग क्या होता है, ये आप बताइए। तो ये आप तो जान रहे हैं कि 3 किसका होता है, 3 किसका होता है, बी 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 रॉय, बी बी रॉय, ठीक है, 3 किसका होता है, ऑरेंज का। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये ऑरेंज हो जाएगा, पहला ऑरेंज, पहला ऑरेंज कलर हो जाएगा। पांचवा में किसका है, पांचवा में किसका है, दूसरा में ग्रीन है तो हो जाएगा दूसरा ग्रीन। तीसरा में 10 to the power 3 किसका है, फिर ऑरेंज, फिर ऑरेंज हो जाएगा, ऑरेंज ग्रीन ऑरेंज। और लास्ट में चौथा कलर प्लस माइनस 10% किसका है, प्लस माइनस 10% सिल्वर का है, तो वो हो जाएगा सिल्वर। इसी प्रकार से सारा न्यूमेरिकल आप लोग बना सकते हैं, या नहीं तो आपके मोबाइल में, आपके टीवी में, या कहीं और रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो आप उसको जो है, आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको निकाल के देख सकते हैं कि उसका रेजिस्टेंस का मान कितना है। ठीक है, उसमें जो है क्या रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो आप अच्छी तरीके से उसको निकाल सकते हैं, ये कलर कोड की यूज करके आप उसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, है ना, या आप कॉपी में उतार सकते हैं। ठीक है, ये इसका पीडीएफ डाल देंगे लिंक में, ठीक है, टोटल का बुक से खींच के डाल देंगे। चलिए प्रातः क्या कि समझ में आ ही गया होगा, और नहीं तो यही बोर्ड वाला ही आपको पीडीएफ के रूप में डाल देंगे। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे मिलते हैं नया क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। अच्छा करते हैं कि समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों साथ में लिखेंगे, थर्ड उसके मल्टीपल में लिखेंगे, चौथा टॉलरेंस बताएगा। एक बार फिर सुनिए आप, फर्स्ट सेकंड एक साथ, थर्ड उसके मल्टीपल में, चौथा उसका टॉलरेंस। जैसे जिस तरह है, फर्स्ट का रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दूसरा का भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तीसरा का पावर में 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3 डॉट डॉट डॉट, चौथा में 5 तक होता है। ठीक है, 4 तक सीधा पीवी रॉय वाला में, और 5 हो जाएगा गोल्ड, 10 हो जाएगा सिल्वर, और 9 कलर रहेगा 20%। ठीक है, थोड़ा सा इसकी बोल दिए, है ना, तो आप जो है इसको मैनेज करेंगे, क्योंकि हम लोग पास MB लिमिट है, जो है वाईफाई थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, इसलिए
थोड़ा स्पीड में बोल करके ज़्यादा कंटेंट को किए, तो आप लोग को स्पीड अगर लग रहा हो तो आप पॉज करके धीरे धीरे करके उसको सुनेंगे। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए फिर एक बार आप धन्यवाद।